ममता का नेता लोग जो था ना हाँ। उन लोग हर टाइम चोरी करता है। क्या चोरी करता है? बहुत कुछ चोरी किया है। चंडी पाठ नहीं करता है, भूल सब भूल भूल ब्राह्मण बाड़ी में बोले चंडी पाठ नहीं करता। बनर्जी को इतना अक्कल होना चाहिए, जब मंदिर में चढ़ता है तो जूता पहन के उसका बॉडीगार्ड चढ़ता है, और जब मस्जिद में जाता है तो सब खोल के जाता है। तरीका उसको सीखना चाहिए यहाँ से। तो कहते हैं हम हिंदू के बेटे, हमें हिंदू का पाठ होना सिखाए कोई पाठ उसको, वो हमको आगे पाठ नहीं सिखाए। जब मस्जिद में जाता है तो जूता खोल के, और जब मंदिर में जाता है तो जूता पहन के हमारा बॉडीगार्ड बन जाता है। पश्चिम बंगाल के राजनीति की धुरी नंदी ग्राम से ही सिमट के रह गए, क्योंकि अब यहीं से तय होगा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा, क्योंकि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों इस समय यहीं से जंग लड़ रहे हैं। और हम इस समय उस गाँव में मौजूद है जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत किए थे 2007 में, जब CPI ने रक्त रंजित इतिहास की पटकथा इसी स्थान से लिखी तो यहाँ के किसानों ने उसे उखाड़ फेंका। और इस बार यहाँ के किसान ही तय करेंगे कि इस बार नंदीग्राम में सत्ता पर कौन काबिज होगा, ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी। हम थोड़ा 2007 की उन कथाओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे सत्ता पे कौन काबिज होगा, शुभेंदु अधिकारी या फिर ममता बनर्जी। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? विश्वजीत माइती है। दादा बताइए, ये पीछे आप देखिए, ये जो पीछे दिख रही है ये क्या है दादा, इसके बारे में बताइए। ये शहीद स्टैचू है यहाँ का, शहीद 2007 साल में जो जमी आंदोलन हुआ था, उस जमी आंदोलन में बहुत सारे आदमी इधर से गायब हो गया, तो उसका ही शहीद बेदी है इधर। अच्छा, जो 2007 में आंदोलन हुआ था उसमें ममता बनर्जी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब यहाँ पे आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य भूमिका में कौन थे, ममता बनर्जी या फिर शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी थी। शुभेंदु अधिकारी थी। तो क्या उस समय क्या हुआ था, कैसे लड़ाई हुई थी, क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में बताइए। लड़ाई तो हुई थी, और जो 2007 से में जो गवर्नमेंट था बंगाल का, वो CPM का पार्टी गई था। CPM पार्टी ने ये डिक्लेरेशन किया कि इधर इंडस्ट्री होगा, बट में इंडस्ट्री का विरोध था यहाँ का आदिवासियों ने। उन्होंने क्या बोला थी कि इधर हम लोग का किसान है, खेत का मत करेगा, सब्जी उगा लेगा, यही हम लोग का आंदोलन था। लेकिन जो आंदोलन हुआ था इधर, जो शुभेंदु अधिकारी थे हम लोग का साथ, उन्होंने कोई फ्लाग व कोई पार्टी राजनीति दल का बैनर नहीं था, एक ही बैनर था काले झंडा, वो काले झंडे का तले हम लोगों सब मिलके आंदोलन एक ही किया था, उसका लीडिंग दी थी शुभेंदु अधिकारी ने। तब इधर ममता बनर्जी का कोई भूमिका नहीं था। ममता बनर्जी तो कहते हैं हम पूरे बंगाल में हर जगह को भूल सकते हैं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि नंदीग्राम में हमने किसानों के हक में लड़ाई लड़ी है। वो तो अभी बोलेगा लेकिन आंदोलन शुभेंदु अधिकारी ने किया था और बाद में आई। अब जब चुनाव आ गया और ममता बनर्जी में इधर में आ गया, ठीक है, तो ममता बनर्जी आ गए एक फायदा के लिए को उसको जितना है, लेकिन इधर का जो जनता है वो चाहते हैं कि नहीं, उसको हम लोग ने सब मिल के हराएंगे और ममता को इधर से विदाई जनाएंगे। क्या नाम है दादा आपका? सिंटू मंडल। हाँ दादा बताइए क्या कह रहे थे आप? बोल रहा है जो ममता बनर्जी बोल रहा है, जो चुनाव के टाइम, जब चुनाव के टाइम आ जाता है तो नंदीग्राम को याद आ गया। चुनाव जब नहीं था उस समय कोई नंदीग्राम को याद नहीं किया। क्या डेवलपमेंट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं। यहाँ पर हम झड़ में हर आदमी का घर में नुकसान हुआ है, लेकिन उसको एक भी रुपया, आप देखिए नेता लोगों का घर दो मंजिला बन गया। यहाँ पे तो अम्पम झड़ जो तूफान आया था, अब बोले है जो मंदिर जो है इंडस्ट्रियल जो बनेगा, इंडस्ट्रियल का हम देने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियल के लिए लिए, लेकिन उसमें क्या है पूरा ले लेगा इसे बोल के जो कम्युनिटी जो उस समय धोखाधड़ी किया था उसके चलते आंदोलन बढ़ गया। ममता बनर्जी कह रही हैं हम किसानों के लिए लाठी खाए थे, पुलिस से लड़े थे और किसान हमारे साथ हैं, हम किसानों के हक में लड़े थे। शुभेंदु अधिकारी तो TMC थी इसलिए जीत गए थे, शुभेंदु अधिकारी के कोई पैठ जमीन नहीं है नंदीग्राम में। शुभेंदु अधिकारी को हर कोई यहाँ पे पहचानता था, लेकिन ममता बनर्जी को कोई नहीं पहचानता था। अच्छा। वो भवानीपुर में कलकत्ता में पहचानता था। अच्छा। यहाँ पे उसका कोई भूमिका ही नहीं था। तो इस बार तो वो कह रही हैं कि नंदीग्राम से हम सियासी सफर की शुरुआत किए थे, इस बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। वो जीत के दिखाएंगे, अगर यहाँ पे 10 आदमी आ गया है ममता बनर्जी आ गया तो 2 आदमी भी नहीं रुकेगा। अच्छा, ममता बनर्जी को नंदीग्राम की जनता नहीं पहचानती? नहीं पहचानते, हम लोग नहीं पहचानते। और वो जो कह रही है हम किसानों के लिए लड़े हैं उसका क्या?
किसान के लिए क्या लड़ा है, किसान के लिए ऐसी लड़ा है जो किसान सम्मान निधि क्यों नहीं ला रहा है, जो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रहा है उसको क्यों नहीं ला रहा है, ये क्या किसान को देखता है, कैसा देखता है, कुछ नहीं देखता है। जब केंद्र देता है तो नहीं लेता है, यहाँ पे क्या देगा, कुछ नहीं दे रहा है। वो हर टाइम विरोध ही करता है केंद्र के साथ, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, विरोध विरोध करता है, वो विरोध करके ही चला गया। वो जो किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया हम लोगों का इधर का जो किसान को मिलना चाहिए वो उसने रुकवा दिया, ठीक है, यही है हम लोग का। वो किसान के लिए क्या सोचता है, हम लोग का बात यही है। ठीक है दादा, ये बताइए कि जब आंदोलन हुआ था तो फिर ममता बनर्जी यहाँ पे आंदोलन में शिरकत की थी, आई थी आंदोलन में कि सुगंधी अधिकारी दादा थे, आई थी तो सुगंधी अधिकारी आई थी। अच्छा, यहाँ आंदोलन के उसी टाइम में वो हमारा जनता के लिए सुगंधी अधिकारी लड़े किया। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी तो वो तो लड़ाई का खत्म हो गया तो बात आता है। अच्छा, और लाठी वाठी तो उनको भी लगी थी, पुलिस वुलिस पे उन पर भी प्रहार किया गया, वो तो चाल का बात है, वो नंदीग्राम का इलेक्शन टाइम में आता है। अब तो हाँ बताइए, क्या नेता लोग चोरी करता है, किसका नेता लोग, ममता का नेता लोग जो था ना उन लोग हर टाइम चोरी करता है। क्या चोरी करता है, बहुत कुछ चोरी किया है। अब देखिए उन लोगों का हम लोग एक यहाँ पे जो पंचायत है, पंचायत में जाते हैं तो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जब रोड बनता है आपको मैं घुमा देंगे, हर एक रोड में मतलब खबर गया है, ठीक है, उसमें क्या मसाला मिलाता है, क्या सीमेंट मिलाता है मालूम नहीं है, 6 महीने बाद उसको रोड का कहानी खत्म। अब तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पे आ गई हैं, अब तो उनके पैर में चोट लग रही है, कह रही है हम 2007 में भी चोट लग के ऐसी सियासी सफर की शुरुआत किए थे, उस बार भी जीते थे, इस बार भी जीते। हाँ, तो वो तो मीडिया के सामने प्रूव है ना, जो चोट किसने लगाया है, उन लोग वो तो दावी किया है जो कि हमको साजिशी है, साजिशी तो कह रही हमला हुआ है, नहीं हमला, मैं वही बोल रहा हूँ जो साजिशी करके उसका हमला किया है और मीडिया तो ओपन कर दिया है, कैसा हुआ है, वो गेट लग गया है उसके पैर पे। वो तो नंदीग्राम के जनता को ही आरोपी कह रही है कि बीजेपी हमला करवाई है, किसी ने वो कह रही है कि साजिश है, वो तो झूठ बात है। वो तो देखिए निर्वाचन कमिश्नर के हाथ में है, अभी निर्वाचन कमिश्नर खुद बोल दिया है कि आप झूठी मत बोलिए, ये तो क्लियर है। और दूसरा नंबर मैं ये बताना चाहता हूँ ममता बनर्जी को, यहाँ से मैं उनको पूछना चाहूँगा, जो आप बोलते हैं जो हमारा दूसरा स्टेट से कोई अगर आता है तो बहिरागत हो जाता है, आप जो आप कलकत्ता से नंदीग्राम आए हैं आप कहाँ के हैं, आप तो बहिरागत हो यहाँ के, तो यहाँ का तो दादा ही है हमारा मेदिनीपुर में, हम दादा को ही चाहेंगे, आप तो बहिरागत है। आप बोलिए आप बिहार से आए हैं, न्यूज चैनल कोई न्यूज चैनल क्या ये बहिरागत हो सकता है, हम सब इंडियन है, हम सब भारत के हैं, ये सोचना चाहिए। अब उसके दिमाग में इतना सा छोटा सा अगर समझने का तरीका नहीं है तो क्या राजनीति करेगा, क्या जनगण की सेवा करेगा। तो कह रहे हैं कि टीएमसी की पार्टी से शुभेंदु अधिकारी थे इसलिए यहाँ पे जीतते थे, ममता बनर्जी के कंधे पे जीतते थे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं शुभेंदु अधिकारी को। अच्छा, तो ममता बनर्जी जानते हैं मोदी के बारे में क्या जानते हैं, मोदी लगते हैं मोदी, मोदी जी देखिए शुभेंदु अधिकारी आज आया है, लेकिन हम लोग सबसे बड़े बात है कि मोदी जी को हम लोग फेमस है, मोदी जी को चाहते हैं, राजनीति नेता आओ सुनम जाओ सुनम जाते रहेगा आते रहेगा। मोदी जी को क्यों चाहते हैं, क्या मोदी जी हमारा काट दीजिए, मोदी जी हमारा गाँव का कि इंडिया का बहुत अच्छा किया है, इंडिया के लिए कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम चाहता है। अच्छा, मोदी जी से इतना प्रेम क्यों, मोदी जी को क्यों चाहते हैं, मोदी जी क्या किए हैं बंगाल के लिए, बंगाल के लिए तो बहुत कुछ किया, सारा इंडिया के लिए कुछ किया, सारा इंडिया के लिए हर आदमी के लिए किया। अच्छा, कोई वो धर्म नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, वो पूरा इंडिया के लिए काम करता है। ममता बनर्जी भी तो कहती हम भी कोई धर्म नहीं देखते, ममता बनर्जी धर्म नहीं देखता है तो हमारा वो जे ईमान भाता ना, ईमान भाता वो लोग क्या क्या वो तो ज्यादा देता है वो लोग को, तो कह रहे हम चंडी पाठ करते हैं, वो इतना अक्कल होना चाहिए, जब मंदिर में चढ़ता है तो जूता पहन के उसका बॉडीगार्ड चढ़ता है और जब मस्जिद में जाता है तो सब खोल के जाता है, तरीका उसको सीखना चाहिए यहाँ से। तो कहते हैं हम हिंदू के बेटे, हमें हिंदू का पाठ होना सिखाए, पाठ उसको वो हमको आगे पाठ नहीं सिखाए, जब मस्जिद में जाता है तो जूता खोल के, अब जब मंदिर में जाता है तो जूता पहन के हमारा बॉडीगार्ड बन जाता है। अच्छा,
तो वो किसको चाहता है वो क्लियर बात है। अच्छा, अगर ये बताइए, अगर इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा अगर नेता किसी को कहा जाए तो वो कौन था? वो आम जनता था। आम जनता था। नेता नेतृत्व कौन कर रहा था, शुभेंदु अधिकारी की ममता बनर्जी? शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, जो उनके पिताजी थे उस समय वो कांग्रेस में थे लेकिन वो भी छोड़ के आ गए थे इसमें, तो क्या लगता है कि अधिकारी परिवार का दबदबा है इसलिए ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी, कि ममता बनर्जी की पार्टी में थे शुभेंदु अधिकारी इसलिए जीते थे? अधिकारी परिवार का दबदबा था। अच्छा, इसलिए जीता था, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं था। वो तो वहाँ कलकत्ता में खुद ही मार खा जाता था। कौन मारता था? ममता बनर्जी खुद मार खा, कम्युनिस्ट वाले के हाथ में। अच्छा, तो इस बार का क्या हाल चाल है नंदीग्राम के जनता के अगर राय जाने? इस बार का हाल चाल यही है जो हम लोग तय कर लिए है, जो मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, मोदी जी को देख के हम लोग वोट देंगे, ना शुभेंदु को देख के देंगे, ना ममता को देंगे, ना किसी को देख के नहीं देंगे। मोदी जी हर जगह अच्छा काम किया है, मोदी जी को लाना चाहिए, लाएंगे। क्यों लाना चाहिए मोदी जी को, क्या अच्छा काम किया? एक दो काम बताइए मोदी जी। हर जगह देखिए, मोदी जी का आयुष्मान भारत है जो किया है, 5-5 लाख रुपया। उसके बाद जो रोड बना है ये सब देखिए। आयुष्मान भारत मिलता है बंगाल में? नहीं, यहाँ नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री नहीं मिलता यहाँ, मुख्यमंत्री लागू नहीं किया है। अच्छा, नहीं मिलता। और बताइए मोदी जी ने क्या अच्छा किया? और भी बहुत काम किया। देखिए हमारा जो इंडियन गैस है, गैस हर घर में यहाँ पे दिया है, जो जो लेना चाहे उसको दिया है। उसके बाद जो आमफान झड़ा हुआ था यहाँ पे, तूफान हुआ था, तो सबके अकाउंट में 500-500 रुपये करके डाला है। अच्छा, जो बेकार है ना, ममता जो बेकार है, हाँ दिया है। बनर्जी भी तो कह रही कि हम भी दिए हैं, हम भी मदद किए हैं। उसका दिया है वो 1000 रुपया भेजा है, 800 रुपया नेता के जेब में गया है, 2 मंजिला को थोड़ा बढ़ा लिया है और 200 रुपया आम जनता को दिया है, वो भी उसके जो आदमी है उसको चुन चुन के दिया है। लेकिन मोदी जी सबको अकाउंट में दिया है, सबको जिसका जिसका यह है। इन 10-11 सालों में जनधन योजना जो का जो अकाउंट फ्री अकाउंट खोला था उसमें सबको 500-500 रुपये दिया। अच्छा, माने अब 3-4 योजनाएं जो मोदी जी के है वो गिना दिए जो आप लोगों को लाभ मिला। अब मैं चाहता हूँ ममता बनर्जी के कुछ योजनाओं के बारे में बता दे जो जनता तक पहुँची हो, इन 11 सालों में लाभ मिला हो। ममता बनर्जी के बहुत योजना किया है, शिलान्यास बहुत किया है, लेकिन उसी जगह पे थम गया है। शिलान्यास के जगह जहाँ पे किया वहीं पे रह गया है, और जो भी आया है उसका ही जो नेता है उसी नेता के घर में गया, आम जनता के पास नहीं। हम लोग का बड़ा प्रॉब्लम है ये बंगाल का, मेरा बंगाल का बहुत बेकार हो गया। हम लोग का ये चाहिए, इंस्टेंट कारखाना चाहिए। अच्छा। यहाँ का बहुत बेकार हो गया, काम नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम में है बंगाल। ममता बनर्जी 11 साल मतलब बंगाल में रहीं, मैं क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि नंदीग्राम के लिए ममता बनर्जी ने इन 11 सालों में क्या किया है, कुछ बता पाए तो। 11 साल में जो फैक्ट्री चालू था उसको बंद कर दिया, एक भी चालू नहीं कर पाया है, वो हम लोग को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। अच्छा, और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे थे तो फिर सवाल तो शुभेंदु अधिकारी पे भी उठता है ना, क्योंकि वो टीएमसी से ही विधायक थे, तो शुभेंदु अधिकारी ने कुछ मदद पहुँचाई आप लोगों को? मदद पहुँचाई बोले तो देखिए, हम लोगों को पास आते थे थोड़ा बहुत जो मदद है, वो थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी मदद किया है, ऐसा नहीं है जब आते थे मदद किया है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि ममता बनर्जी में शुभेंदु अधिकारी था, वो क्यों नहीं किया है? इसीलिए नहीं किया है जो कि जो करना चाहता है उसको करने नहीं दिया है, तभी वो टीएमसी छोड़ के भाजपा में चला गया। अगर इस बार भाजपा में अगर न जाते शुभेंदु अधिकारी, वो टीएमसी से चुनाव लड़ते तो जीत जाते? नहीं जीतते, शुभेंदु अधिकारी नहीं जीत पाते थे, माहौल पहले से बना लिए थे हम। अच्छा, तो यहाँ तो कह रहे हैं आप शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, तो बीजेपी में शामिल होने पर ही जीतते, टीएमसी से नहीं जीतते? अच्छा, टीएमसी से नहीं जीते क्योंकि टीएमसी हम लोग को पसंद ही नहीं है। अच्छा। टीएमसी का कार्यकलाप जो है वो ही पसंद नहीं है। अच्छा। तो कैसे जीतेगा? अच्छा, क्या लगता है इस बार नंदीग्राम में भाजपा की सरकार बनेगी या टीएमसी की? नंदीग्राम में भाजपा की सरकार नहीं, पूरा वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगा। अच्छा, पूरा वेस्ट बंगाल में। हाँ चाचा, आ जाइए आप, बोलो बंगला को पूरा वेस्ट बंगाल में भाजपा जितना जैसे अधिकारी। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है दादा?
बादल चंद्र दास। क्या करते हैं आप, काम वाम क्या करते हैं? ये काम चाय दुकान। अच्छा, और किछु नहीं काम करता है। अच्छा, वही शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, कौन अच्छा लगता है, शुभेंदु अधिकारी की ममता? शुभेंदु अधिकारी लगता है। अच्छा, जब यहाँ आंदोलन आंदोलन हुआ था तो ममता बनर्जी आती थी? जब 2007 में सुषमा स्वराज एसिल शुभेंदु अधिकारी दौलते नंदीग्राम आंदोलन शिरोनामे शुभेंदु अधिकारी का, ममता बनर्जी नहीं आता है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो किसानों के बोल रहे हमें भोटे समय यही साले एक कुछ साले वही पास ममता बनर्जी आ गया नहीं आता है। क्या उम्र होगी आपकी? 100% शुभेंदु अधिकारी। अरे उम्र आपकी क्या होगी, एज आपकी? 76 वर्ष, 56 वर्ष। अच्छा, 56 वर्ष।